आज तक आपने देश भर में अलग अलग स्थानों के कई तरह के रहस्यों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको बिहार के एक ऐसे रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर एक मंदिर है और उसका जो मुख्य द्वार है वो रात भर में पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में घूम गया था। बिहार के औरंगाबाद जिले में देव नाम की एक जगह है जहां सूर्य देवता का मंदिर है और ये मंदिर देव जगह पर है तो इसीलिए इसे देव सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 6वीं या 8वीं सदी के बीच हुआ। यहां के स्थानीय लोग इस मंदिर को त्रेता और द्वापर युग के बीच का मंदिर बताते हैं। चलिए अब आपको इस मंदिर के रहस्य के बारे में बताते हैं। कहा जाता है कि एक बार औरंगजेब भारतीय मंदिरों को तोड़ता हुआ औरंगाबाद के देव पहुंचा। वो यहाँ के सूर्य मंदिर पर आक्रमण करने ही वाला था कि तभी मंदिर के पुजारियों ने औरंगजेब से अनुरोध किया कि वो इस मंदिर को ना तोड़ें। लेकिन औरंगजेब पुजारियों की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था, पर पुजारियों के बार बार विनती करने पर औरंगजेब ने मजाक में पुजारियों से कहा, यदि सच में तुम्हारे भगवान हैं और इस मंदिर में कोई शक्ति है तो इस शक्ति से कहो कि इसका मुख्य द्वार कल सुबह तक पश्चिम दिशा में हो जाए तो मैं मंदिर नहीं तोड़ूंगा। स्थानीय लोग बताते हैं कि औरंगजेब पुजारियों को मंदिर के प्रवेश द्वार की दिशा बदलने की बात कहकर अगली सुबह तक का वक्त देकर वहां से चला गया। पुजारी काफी परेशान और दुखी हो गए। वो रात भर सूर्य देव से प्रार्थना करते रहे कि वो उनके वचन की लाज रख लें, नहीं तो औरंगजेब इस मंदिर को तोड़ देगा। रात बीती और अगली सुबह पूजा के लिए पुजारी जैसे ही मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मंदिर का प्रवेश द्वार तो दूसरी दिशा में हो गया है। ये देखकर पूरा गांव खुशी से झूम उठा। कहते हैं इसके बाद औरंगजेब ने इस मंदिर को नहीं तोड़ा और वहां से चुपचाप निकल गया। देव सूर्य मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ सदियों से दूर दूर से भक्त आते हैं और मन मांगी मुराद पाकर ही जाते हैं। यहाँ मन्नत पूरी होने के बाद भक्त सूर्य देव को अर्घ देने के लिए आते हैं और देव सूर्य मंदिर की महिमा इतनी ज्यादा है कि यहाँ देव सूर्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है।